हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हरि एसोसिएट्स। आई एम योर ब्रेक जयदीप मेहता और आज हम आए ऑनलाइन साइट विजिट करने ब्रांड न्यू बिल्ड फ्लोर इन रोहिणी सेक्टर 24। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर। अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूँ तो प्लॉट साइज 26 मीटर पेयर, 26 मीटर जोड़ा। कॉर्नर प्लॉट मीन्स टू साइड प्लॉट, एल टाइप कॉर्नर, जिस पर 3 BHK लिफ्ट प्लस पार्किंग, बिल्डर फ्लोर बहुत ही डिसेंट तैयार किया गया है। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन इज वन ऑफ द वेरी गुड लोकेशंस। यहां से बेस्ट मेगा मॉल, जगन्नाथ टेंपल, बाबोसा टेंपल एंड ईच एंड एवरी पब्लिक फैसिलिटी इज वेरी इजीली अवेलेबल। गाइस, फ्लोर बहुत ही सुंदर तैयार किया गया है। द बिल्डिंग इज 4-story बिल्डिंग विद लिफ्ट एंड पार्किंग। आइए दोस्तों, फ्लोर विजिट शुरू करते हैं। पर स्टेयरकेस एंट्रेंस, ये हम लोगों का लिफ्ट एरिया है। दिस इज आवर लिफ्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। लिफ्ट के सारे सराउंडिंग्स के अंदर टाइल्स लगा रखी है गाइस, और ये हम लोगों की मेन फ्लोर एंट्रेंस है। फ्लोर एंट्रेंस का गेट देखिए गाइस, कितना सुंदर तैयार किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं फ्लोर के अंदर। वाओ, अमेजिंग गाइस, दिस इज आवर लिविंग रूम। गाइस, अगर मैं लिविंग रूम के डायमेंशन की बात करूं तो लिविंग रूम इज 16x10, 16x10 का ये लिविंग रूम है। यहाँ पर मेरे बैक साइड पे ये हम लोगों की वॉलपेपर वॉल है, ये हम लोगों की स्प्लिट एसी की फिटिंग है गाइस, ये हम लोगों का बहुत ही सुंदर एलसीडी पैनल तैयार किया गया है जहाँ पर मल्टीपल शेल्फ दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन एलसीडी पैनल का दिया गया है। गाइस, एलसीडी पैनल के अंदर ये हम लोगों की फोकस लाइट भी दी गई है जो एलसीडी पैनल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही है। और गाइस, अगर मैं लिविंग रूम के साथ फ्लोर प्लान की बात करूं तो दिस इज आवर एंट्रेंस, दिस इज आवर फर्स्ट रूम, दिस इज आवर किचन, दिस इज आवर सेकेंड रूम, दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम एंड दिस इज आवर थर्ड रूम। थर्ड रूम के साथ हमें अटैच वॉशरूम मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। अब हम आ चुके हैं किचन एरिया की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर किचन की एंट्रेंस तैयार की गई है। ये हम लोगों का MDF मटेरियल में डिजाइन दिया गया है। और अब हम चलते हैं किचन के अंदर। ये हम लोगों की बहुत ही ब्यूटीफुल किचन तैयार की गई है। अगर मैं किचन के डायमेंशन की बात करूँ तो किचन डायमेंशन 11x5, 11x5 की ये किचन है जहाँ पर ये हम लोगों का फ्रिज स्पेस है। ये हम लोगों की वाई सनमाइका के अंदर शेल्स दी गई है गाइस। ये हम लोगों का चिमनी एरिया है, अगेन ये हम लोगों की शेल्फ है, ये हम लोगों की गाइस सिंक है, ये हम लोगों का एग्जॉस्ट फैन के लिए एक वेंटिलेशन विंडो के साथ एक विंडो दी गई है। और अगर मैं बास्केट्स के डिजाइन की बात करूं तो बहुत ही डिसेंट कलर चूज किया गया है, दैट इज ग्रीन एंड व्हाइट सरमाइका। तो गाइस, अगर दिस इज आवर बास्केट्स जिसमें ग्रीन एंड व्हाइट सरमाइका का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो गाइस, अगेन किचन के साथ जो किचन टाइल हाइलाइटर यूज किया गया है वो किचन को बहुत ही सुंदर बना रहा है और व्हाइट कलर की डिजाइनर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस, किचन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों, अब हम किचन के बाहर चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। नाउ वी आर एंटरिंग द फर्स्ट बेडरूम, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों, एंटर करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम गाइस। अगर मैं बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं तो 12x10 का ये बेडरूम है जहां पर ये बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल ग्रास के अंदर डिजाइन दिया गया है। आर्टिफिशियल ग्रास विद ब्राउन एंड व्हाइट PU पॉलिश गाइस, दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो गाइस, मुझे ये बहुत पसंद आया। और अगर मैं गाइस इसकी बात करूं तो ये अगेन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, व्हाइट एंड ब्राउन कलर का PU पॉलिश, दैट इज अगेन स्लाइडिंग डोर अलमीरा। नीचे दो ड्रॉर्स दिए गए हैं गाइस,
ये हम लोगों की वेंटिलेशन विंडो है. As I told you in the starting of the video, this is a corner rod. Guys, वेंटिलेशन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज आवर वेंटिलेशन विंडो, यहाँ पर हम लोगों का विंडो एसी आएगा. दिस इज आवर ड्रेसिंग टेबल एंड ये हम लोगों का अगेन सेम कलर कॉम्बिनेशन के अंदर गाइस एलसीडी पैनल दिया गया है. अगेन व्हाइट एंड ब्राउन कलर के अंदर. दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल गाइस. मुझे ये रूम बहुत पसंद आया. तो अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ. नाउ वी आर एंटरिंग द सेकेंड बेडरूम गाइस. दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम. अगर मैं सेकंड बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं तो सेकंड बेडरूम इज 10x10, 10x10 का ये सेकंड बेडरूम है. जहां पर ये हम लोग वॉलपेपर वॉल है जो बहुत ही डीसेंट चल रही है गाइस. दिस इज लुकिंग वेरी अमेजिंग. अगेन दिस इज आवर विंडो फॉर वेंटिलेशन. ये हम लोगों की विंडो एसी की फिटिंग के लिए विंडो दी गई है. और अगेन वॉलपेपर कॉम्बिनेशन के साथ गाइस अलमीरा डिजाइन दिया गया है. अगेन रेड कलर के अंदर, रेड एंड व्हाइट कलर की दीवार के अंदर अलमीरा दी गई है. दिस इज अगेन ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. तो गाइस दिस इज आवर अलमीरा. रेड एंड व्हाइट सरमाइका का यूज किया गया है. और ये हम लोग गाइस शेल्फ है. अगर मैं शेल्फ के बाद बात करूं तो दिस इज आवर वेरी सोबर एलसीडी पैनल जहां पर हम लोगों का एलसीडी आएगा. और इस रूम के साथ खास बात क्या है गाइस, वी आर गेटिंग द अटैच्ड बालकनी. आइए दोस्तों अब हम बालकनी की तरफ चलते हैं. Guys, this is our balcony. अगर मैं बालकनी के अंदर डायमेंशन की बात करूं तो 12x4 की ये बालकनी है. 12x4 की ये बालकनी है. यहाँ पर वाइट टाइल्स का यूज किया गया है. और दिस प्लॉट इज पार्किंग फेसिंग. Guys, see, there is no as such problem of parking. Parking बहुत easily available है. तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ. एंट्रिंग द थर्ड बेडरूम. This is our third bedroom. अगर मैं dimension की बात करूँ तो ये 11x10, 11x10 का ये bedroom है. जहाँ पर ये हम लोगों की sliding door सरमाइका है guys. ये white और dark grey color का सरमाइका combination दिया गया है. That is again in combination with the wallpaper wall. ये हम लोगों की wallpaper wall है. Again this is ventilation window. जहाँ पर हम लोगों का window AC आएगा. और this is our LCD panel. LCD panel, wallpaper and almirah are in combination. तो आइए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं attached washroom की तरफ. Well, this is our attached washroom. अगर मैं washroom के dimension की बात करूं तो 5x5, 5x5 का ये washroom है. जहाँ पर ये हम लोगों के लिए ventilation window है. जहाँ पर exhaust भी हम लगा सकते हैं. ये हम लोगों का seat area है. यहाँ पर हम लोगों का wash basin आएगा. And this is our bathing area. Guys, washroom is again very beautiful. White and black tiles का use किया गया. White and black tiles is again making it very good. तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं common washroom की तरफ. Now we are entering the common washroom. Guys, अगर मैं common washroom के dimension की बात करूँ तो 6x4 का ये washroom है. जहाँ पर marble tiles और white tiles का इस्तेमाल किया गया है. As you can see, this is marble tiles and these are white tiles का इस्तेमाल किया गया है. और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज आवर सीट एरिया, दिस इज आवर वॉश बेसिन एरिया एंड दिस इज आवर बाथिंग एरिया. अगेन गाइस, दिस इज आल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. अब हम दोस्तों बिल्डर ऑनलाइन साइट विजिट, ब्रांड न्यू बिल्डर प्रोजेक्ट तो कर ही चुके हैं. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द रूम. गाइस, आज तो दिल खुश हो गया और प्राइस सुनकर भी गाइस दिल खुश हो जाएगा. Because only and only 2 floors are left in this 4-story building with still parking guys. The floor is very beautiful. मेरा दिल खुश हो गाइस. I hope आपको भी ये फ्लोर बहुत पसंद आया होगा. आपके भी दिल को बहुत अच्छा लगा होगा ये फ्लोर. And guys, only 2 floors are left and the demanding price for the left 2 floors are only 80 lakh rupees. 80 lakh rupees is the demanding price guys. अगर आपको ये फ्लोर अच्छा लगा, if you want to visit this floor, if you want to book this floor, you can contact Shri Hari Associates. Because guys, floor is very limited. Guys, thanks for your all love and support. Thanks for supporting me. Thank you each and every one of you जो मुझे सपोर्ट करते हैं. एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर की विजिट के साथ. Once again, thanks a lot. See you soon.